हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन और फाउंडेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 210 और 224 दोनों में सेम चल रहा है। हम लोग फिनिश कर लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म को छोड़ दिए हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगा वहां बात करेंगे टॉटोमेरिज्म, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है एक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हम चले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद बात कर रहे हैं आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब आप लोग पेज बदल लेंगे, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगेन एक अलग पार्ट हो गया, तो इसीलिए पेज को बदल लेना है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑफलाइन जैसा जारी रहेगा पूछना। तो बताइए, यदि ध्यान से सुनिए, यदि आपसे हम कहें टू ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो क्या जवाब होगा? करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यदि इस तरह से देख लीजिए, यदि ऐसा CH, देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके देखिए जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बनता है। बना लिए? तो चलिए देखिए, बताइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, तो कितना होगा इसका आंसर? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 3। बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, एकदम रट जाना है। जो यदि डबल बॉन्ड दो हो और दोनों का दोनों आइडेंटिकल हो, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना? 3 होगा। और फार्मूला तो आपको समझा ही दिए हैं, याद है फार्मूला? 2k·n−1 प्लस 2k·p−1, जहां पे p जो है, यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो n/2, p बराबर n/2, और यदि ऑड नंबर हो तो p बराबर n+1/2। क्लियर है? तो अगेन देखिए, आप जो है सो रिवाइज करके रखेंगे, जितना ऑर्गेनिक में बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको आगे अच्छा होते जाएगा। ऑर्गेनिक में न 11th है न 12th, क्या समझे? ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना पड़ता है। मतलब यदि आपको 12th में अच्छा करना है, तो आप ये ना सोचे जब 12th स्टार्ट होगा तब से ऑर्गेनिक अच्छा करेंगे, तो आपको अच्छा ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। इसलिए ऑर्गेनिक में आप कंटिन्यूअस मेहनत करें, फिजिकल जैसा नहीं है, जो थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो आसानी से हो जाएगा। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन जो बच्चा कंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस तैयारी कर रहा है, उसको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले टर्म का बात कर लेते हैं। कुछ टर्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। नॉर्मल लाइट, लाइट व्हिच इज वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइट। यानी वे लाइट जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? नॉर्मल लाइट के नाम से जानेंगे। ये ट्यूब लाइट, ये सन लाइट, ये मून लाइट, ये स्टार लाइट, ठीक ना? घर में जो आप दीपक जलाते हैं, वे सब का सब कौन सा लाइट है? नॉर्मल लाइट है। वे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको PPL से रिप्रेजेंट किया गया, लाइट वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। कितने कितने प्लेन में? ओनली वन प्लेन इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यदि इस तरह से लाइट का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो, तो उसको नाम रख दिया गया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। When ordinary light passing through निकोल प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म? निकोल। आप नाम सुने होंगे प्रिज्म का, आप हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में जो है सो प्रिज्म देखे होंगे, जिससे होके लाइट को पास कराने के बाद देखे होंगे जो लाइट टूट जाता है सेवन कलर में, उसी तरह से निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म बना हुआ होता है कैल्साइट का, मतलब CaCO3 का। उस प्रिज्म से होके पास कराने के बाद
ये ऑर्डिनरी लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए और हम आगे टर्म देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो जब भी हम ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से, तो इस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, यानी जो भी हम लोग इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात करेंगे वे प्लेन पोलराइज लाइट को लेकर के ही बात करेंगे। आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगा जो प्लेन पोलराइज लाइट का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है। तो चलिए फिर वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, ये पीपीएल लाइट यदि प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें कोई ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, यदि पीपीएल लाइट को पास करावें और पास कराने के बाद यदि लाइट का रोटेशन पोलारीमीटर में क्लॉकवाइज होने लगे, ये पोलारीमीटर जिस तरह से हम लोग थर्मामीटर जानते हैं ना, उसी तरह से पोलारीमीटर में यदि लाइट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने लगे, तो समझेंगे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटोरी। ठीक है, यदि पीपीएल को पास कराइए किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से और लाइट का रोटेशन यदि क्लॉकवाइज में हो जाए तो क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी या पॉजिटिव। यदि लाइट का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होने लगे, एंटी क्लॉकवाइज में होने लगे, तो इसको क्या कह देंगे, लेभो रोटेटोरी या इसी को एल कह देंगे या इसी को निगेटिव कहेंगे। ठीक है, यदि लाइट का किसी प्रकार से कोई रोटेशन न हो, लाइट का किसी प्रकार से कोई रोटेशन न हो, तो कह देंगे ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्या समझे बात? फिर से पीपीएल लाइट कैसे हम लोग ऑब्टेन किए, ऑर्डिनरी लाइट को यदि पास कराए निकोल प्रिज्म से, अब उस पीपीएल को ऑर्गेनिक कोई सॉल्यूशन है तो या तो वे क्लॉकवाइज की तरफ रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रोटेशन हो या नहीं तो रोटेशन न हो, किसी टाइप से नो रोटेशन। तो नो रोटेशन यदि होगा तो कह देंगे ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। और यदि रोटेशन होगा तो या तो क्लॉकवाइज के तरफ ही रोटेशन होगा या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज के तरफ। क्लॉकवाइज वाला को क्या नाम रख दिया गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज वाला को क्या नाम रखा गया, लेभो रोटेटरी। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस तरह से अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कोई भी कंपाउंड को, लेकिन बात कर रहे हैं अभी ऑर्गेनिक का, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ वे कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर देगा, यानी कहेंगे कंपाउंड एबल टू रोटेट पीपीएल, रोटेट पीपीएल या तो क्लॉकवाइज या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यदि ऑप्टिकली हम लोगों से कह दिया जाए इनएक्टिव है,
इसका मतलब क्या समझेंगे? डू नॉट रोटेट पीपीएल, डू नॉट रोटेट पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी प्रकार से कोई रोटेशन नहीं होगा। यदि ऑप्टिकली एक्टिव हो तो ऑप्टिकली एक्टिव में हम लोग दो भाग में बात करेंगे, या तो डेक्सोरोटेटरी होगा या नहीं तो लेवोरोटेटरी होगा, यानी या तो क्लॉकवाइज होगा या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ बेसिक टर्म समझे, अभी भी टर्म ही समझेंगे, आगे ये वीडियो कंटिन्यूअस जारी रहेगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन या किरल कार्बन, तो ये वीडियो फिर आप आगे बढ़ावें।